ये बार बार आ रहा है कि अब रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल बाय लॉ हो गया है। आप लॉ का इस्तेमाल रूल करने के, शासन करने के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए आपको जो भी तिकड़में करनी है वो सब कर रहे हैं। और आपने बात की संविधान, संवैधानिक संस्थाओं की, तो हम देख रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं तो ध्वस्त की जा रही हैं, और वो ताकत गैर संवैधानिक संस्थाओं के पास चली गई। मसलन भागवत साहब कह रहे हैं कि हमें अखंड भारत बनाना है, और हम अहिंसा तो ठीक है लेकिन हाथ में हमारे लठ रहेगी, तो वो हिंसा की वकालत भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अखंड भारत या किसी भी तरह की बात कहने का अधिकार किसी को भी है। इसमें कोई संवैधानिक संस्था असंवैधानिक संस्था की बात नहीं है। भागवत जी एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं, एक संगठन के नेता हैं, वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उनको अधिकार है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का कोई वक्ता भी, मान लीजिए प्रधानमंत्री दें या कोई सरकारी प्रवक्ता और प्रतिनिधि दे, तो हम उस पर अलग तरह से बात करेंगे। लेकिन मेरी जिज्ञासा यह है, एक तो ये कि अखंड भारत का एक सीधा सा अभिप्राय यह है कि जो भारत का विभाजन हुआ उसको एनल करना है, उसको समाप्त करना है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कुछ इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। भारत के विभाजन को लेकर के एक अनिजी नैस पहले दिन से ही मौजूद रही है। राजगोपालाचारी, बाद में राम मनोहर लोहिया, भारत पाक महासंघ की बात की जाती रही। जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में लिखे गए एक निजी पत्र में ये लिखा था लेफ्टिनेंट जनरल इनायत वजाहतुल्ला, इनायत हबीबुल्ला को, जब उन्होंने कहा कि देखिए एक भारत पाकिस्तान को करीब आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां भी ये मांगती हैं। तो नेहरू जी ने लिखा था कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि इस तरह की बात बहुत से लोग इस समय देश में कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, जो पावर एस्टेब्लिशमेंट है, वो ऐसी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वहाँ हंगामा हो जाएगा। और अगर इस तरह की कोई बात मेरी तरफ से, यानी प्रधानमंत्री की ओर से कही गई, तो इसके बड़े अजीब तरह के अर्थ निकलेंगे, और इसलिए मुझे ये स्थिति अभी अनुकूल नहीं दिखती इसके। इसके बाद सन 77 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति की पहल पर साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन की बात शुरू हुई, और सार्क चला और कई दिनों तक बहुत जोर शोर से चला। आइडिया वही था कि साउथ एशिया के देश व्यापार में, संस्कृति में निकट आए। इस अर्थ में अगर एक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सबको मिलाकर के एक साउथ एशियन यूनियन क्रिएट करने की बात हो, जिसमें सबकी ऑटोनॉमी हो, सभी नेशन स्टेट्स का अपना अस्तित्व सुरक्षित रहे, आगे चल के पूर्ण एकीकरण भी हो सकता है, जैसे यूरोपियन यूनियन की जो दिशा है, उस अर्थ में तो मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन अगर अखंड भारत का अर्थ बलपूर्वक पाकिस्तान और बांग्लादेश पर हमला करके उसे अपने भारत में शामिल कर लेना हो, अफगानिस्तान पर हमला करके शामिल कर लेना हो, तो फ्रेंकली ये तो ऐसी बात है कि इस पर क्या बात की जा सकती है। यानी अव्वल तो आप ये समझ रहे हैं कि ये इतना आसान है और इतना फैंटेसी आपकी पूरी हो जाएगी। भाई आखिरकार पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है आज की तारीख, और इस तरह की स्थिति कौन बर्दाश्त करेगा और क्यों करेगा, और क्यों आपको इस तरह के युद्ध की बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये जो बात बार बार कही गई है कि आप भारत में जितने मुसलमान हैं उनको लेकर के एक असुविधा का अनुभव करते हैं, उनको देश के लिए खतरा मानते हैं, उनको एक लगातार मजबूर करते हैं कि वो अपने देश प्रेम और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र जारी करवाएं, तो फिर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लगभग 25-30 करोड़ मुसलमान और आ जाएंगे, तो उनका क्या होगा, कैसे आप मैनेज करेंगे इसको। इसलिए मैं फ्रेंकली इस तरह के वक्तव्यों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता मैं आपसे साफ कहूँ, क्योंकि अखंड भारत की बात दो ही तरह से हो सकती है। एक तो वो कि हम सबको तलवार के जोर से, लठ के जोर से, बंदूक के जोर से मार मार के गुलाम बना लेंगे, ये फिजूल की बातें, ये अब इस तरह की कोई संभावना है नहीं, कुछ नहीं हो सकता इस तरह का, और ना नैतिक रूप से ये संभव है ना वास्तविक रूप से। अगर भारत पाक बांग्लादेश महासंघ की बात की जा रही है तो ये बात तो बहुत अच्छी है, बहुत पहले से होती रही है, लेकिन फिर वो तभी संभव है जबकि इस महासंघ में शामिल होने वाले सभी देशों की स्वायत्तता बनी रहे, इसमें रहने वाले तमाम नागरिकों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी हो, तभी ऐसा कोई महासंघ चल पाएगा, वरना क्या व्यर्थ की बात है। केवल एक माहौल बनाने के लिए, एक आक्रामकता में और चीजें जोड़ने के लिए इस तरह की बातें करना तो एक
बहुत स्पष्ट रूप से कहा जाए तो गैर जिम्मेदारी वाली बात। जी आपसे मैं सहमत हूँ कि इस वक्तव्य का एजेंडा कुछ और है। जाहिर है अखंड भारत बनाने नहीं है, अखंड भारत के नाम पर लोगों को उकसाना है, तैयार करना है एक दूसरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए। लेकिन जो वक्तव्य तथाकथित धर्म संसदों में दिए जाते रहे हैं, दिए जा रहे हैं, या धर्म संसद के इतर दिए जा रहे हैं, क्या उनको भी हम गंभीरता से देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनके प्रति सरकार का, कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों का जो लापरवाही वाला रवैया है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। मैं ये मानता हूँ मुकेश जी के वो वक्तव्य उतने चिंताजनक नहीं है जितना लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का उनके प्रति जो रवैया है वो चिंताजनक, वो बहुत चिंताजनक। क्योंकि कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, कहता रहे, लेकिन आप बाकायदा मतलब लोगों को हत्या के लिए, हिंसा के लिए उकसाएं और आपको मालूम हो कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, आपको कोई पकड़ने नहीं आएगा, आपको कोई रोकने नहीं आएगा, ये चिंताजनक, और इसको कतई अगंभीरता से नहीं लिया जा सकता। इसे अगंभीरता से लिया गया तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। क्योंकि मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अभी वक्तव्य मान लीजिए कि मुसलमानों को टारगेट करके दिए जाते हैं, कल को किसी और समुदाय को टारगेट करके दिए जा सकते हैं। अभी जो तनाव है और भय का माहौल है आप मुस्लिमों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, वो कल को किसी और के लिए क्रिएट हो सकता है, हिंदुओं के लिए खुद के लिए क्रिएट हो सकता है, दूसरे तबकों के लिए क्रिएट हो सकता है, हिंदू समाज की विभिन्न जातियों के लिए हो सकता है। इस तरह के परस्पर लड़ाई वाले वक्तव्य भाषाओं के आधार पर दिए जा सकते, उस तरह से माहौल क्रिएट। इसलिए देखिए, भारतीय एका, जो आप अभी जवाहरलाल जी की बात कर रहे थे, स्वाधीनता आंदोलन के नेता और बतौर प्रधानमंत्री के जवाहरलाल जी और बतौर प्रधानमंत्री के सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात को जानते थे कि भारतीय एकता एक बहुत मजबूत चीज हो सकती है, लेकिन ये बहुत नाजुक चीज भी है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जैसे आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। इसे बनाए रखने के लिए आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे, तमाम तरह की मान्यताओं, धारणाओं आदि को स्पेस देना पड़ेगा विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। लेकिन उस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में अगर आप एक तरह की बहुमत की तानाशाही थोपना चाहेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म थोपना चाहेंगे, तो वो देश की एकता के लिए घातक है। इसलिए इस तरह की चीजों को कतई गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। ऐसे लोगों को ठीक ही और दो टूक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी अभी आपने सामाजिक, समाज की मानसिक स्थिति की बात की, जरा इसको और स्पष्ट कीजिए, समाज किस मानसिक स्थिति में पहुंच गया है? देखिए मैं आपसे कहूं मुकेश जी, मैंने अभी पहले भी कहा कि मुझे वक्तव्यों से उतनी चिंता नहीं होती जितनी उन वक्तव्यों के प्रति लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की लापरवाही से। इसी बात का मैं विस्तार करता हूं कि मुझे इस तरह के माहौल, इस तरह की हरकतों को मिलने वाली सामाजिक स्वीकृति से चिंता होती है। मुझे चिंता इस बात से होती है कि ये सवाल कोई नहीं पूछता कि बुलडोजर चलाना कहाँ की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि इसके लिए तालियां बजाई जाती हैं, इसके लिए अफसरों की और मंत्रियों की तारीफें की जाती हैं, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हुआ। ये दिखाता है कि हम एक बहुत ही उत्तेजित, हिंसापरक और दूर की सोचने में असमर्थ समाज में बदलते जा रहे हैं। क्योंकि ये आप क्या कह रहे हैं, आप वर्चुअली ये कह रहे हैं कि जो आपको अपराधी के तौर पे पहचानता है उसी को ये अधिकार भी है कि वो आपको सजा दे दे, यही कह रहे हैं ना। पुलिस ने तय किया कि आप दंगाई हैं, आपका घर गिरा दिया। अगर इसी बात को रोजमर्रा के जीवन में आगे विस्तार करें तो कल को एक ट्रैफिक कांस्टेबल ये तय करता है कि मैंने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया है, अभी की स्थिति तो यह है कि मैं उसे फाइन दूंगा या अदालत में पेश होकर के फाइन दूंगा। वो ये तय करे कि मैंने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया है, इसलिए उचित उपचार ये है कि मुझे 4 डंडे मार के वहीं पटक दिया जाए। आप इसे स्वीकार करेंगे? करना पड़ेगा। अगर आप बुलडोजर कल्चर का समर्थन करते हैं तो आपको उस कल्चर का भी समर्थन अंततः करना ही पड़ेगा।
मुझे चिंता इस बात से होती है जो आपने मानसिक उसकी बात की कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ये घोषणा करती हैं कि मुसलमान वेंडर्स को अपने यहाँ नहीं घुसने देंगे। जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, संसद के सदस्य ये अभियान चलाते हैं कि मुसलमानों से सौदा सुलफ नहीं खरीदेंगे, हम उनसे अपने घर के छोटे मोटे काम नहीं करवाएंगे। आप एक पूरे के पूरे समुदाय का, एक भारतीय जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का इकोनॉमिक और सोशल बायकॉट करने के कॉल्स दे रहे हैं और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग चुप बैठे हैं। और यह समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन बातों का समर्थन कर रहे हैं, ये चिंताजनक। आपको किस मिस्त्री से काम कराना है नहीं कराना है, ये उसकी दक्षता से तय होना चाहिए, उसकी ईमानदारी से तय होना चाहिए, उसके मजहब या उसकी जाति से नहीं तय होना चाहिए। स्वस्थ दिमाग तो ये करेगा कि भाई मुझे फलाना काम घर के अंदर कराना है, जो बढ़िया मिस्त्री होगा उससे कराऊंगा, वो उसका नाम कुछ भी हो। लेकिन आप ये स्थिति करते हैं कि साहब वो फलाने उस जात का होगा तो मैं नहीं कराऊंगा। कल को जब एक वो कौन से जो खाना वाना सप्लाई करते हैं घरों पर, लोग क्या नाम है यार, जोमेटो वगैरह, उसमें अगर ये स्थिति बनेगी कि साहब फलानी जाति का आदमी आएगा खाना लेकर तो मैं नहीं लूंगा, तब आप क्या करेंगे? उसको भी स्वीकार करेंगे? कल को कोई ये भी कह सकता है कि साहब कोई लड़की अगर टैक्सी चला रही होगी या खाना सर सप्लाई कर रही होगी तो मैं नहीं लूंगा, उसको भी आप स्वीकार करेंगे? इसको मैंने कहा कि समाज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सोचने की बात। जी पुरुषोत्तम जी, लेकिन ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में बहुत पहले शुरू हो गई। हम जानते हैं कि सीए के आंदोलन के दौरान वहां की सरकार ने किस तरह से आंदोलनकारियों को लांछित किया, अपमानित किया, सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए, उनके घरों की कुड़की की, उनसे वसूली के नाम पर हुआ, फर्जी एनकाउंटर हुए और उनको एक मान्यता मिली और हम देख रहे हैं कि चुनाव में क्या हुआ। तो ये सामाजिक स्वीकृति के लक्षण हमें राजनीति के बहुत सारे स्तर पर मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमें किस नियति की तरफ धकेला जा रहा है अगर ये सारी चीजें इस तरह से स्वीकृत होती जा रही है। इसमें मुकेश जी दो चीजें, एक तो ये कि जाहिर है कि एक नियति विश्वास की ओर हमें धकेला जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष के लोगों ने और बुद्धिजीवियों ने जिस चीज़ पर जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया, वो ये है, जैसे एक चीज़ कहते हैं, वो एक अंग्रेजी में मुहावरा चलता है, मैथड इन मैडनेस, देयर इज अ मैथड इन मैडनेस। इस मैथड इन मैडनेस के सवाल को बुनियादी मुद्दों यानी आर्थिक सामाजिक मुद्दों से जोड़ने की बजाय अपोजिशन और बुद्धिजीवियों के एक बड़े हिस्से का बल आइडेंटिटी से जोड़ने पर आए, कल्चरल या सोशल आइडेंटिटी से। मिसाल के तौर पर इस बात को कितना लोगों तक पहुंचाया गया, कितना इसको विमर्श का विषय बनाया गया कि ये सरकार के लिए पीठ ठोकने की बात नहीं है कि 70 करोड़ या 80 करोड़ लोग लाभार्थी, ये चिंता की बात है। देश की अगर आधी से अधिक आबादी अपने जीवन यापन के लिए रोजगार नहीं बल्कि सरकार की मेहरबानी पर निर्भर है तो ये चिंता की बात है, और इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का ही आप जानते हैं। इसमें सवाल ये होना चाहिए कि क्या 8 साल पहले भी यही स्थिति थी जब ये सरकार आई? क्या 8 साल पहले, ये तो खुद सरकार के नीति आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि 2016 के महान क्रांतिकारी डिमोनेटाइजेशन के बाद इकोनॉमी को जो झटका लगा है उससे आज तक उभर नहीं पाई है इकोनॉमी, बेरोजगारी बढ़ी है, स्थायी रोजगार गायब हुए हैं, कंगालीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत सारे लोग उस फेरे में आए हैं, मतलब घरों पर खाना सप्लाई करने के जॉब में MBA किए हुए लोग, PhD किए हुए लोग काम कर रहे हैं 7,000-8,000 रुपए महीना की तनख्वाह पर। दूसरी ओर 1% लोगों के पास या 2% लोगों के पास अकूत धन और संपदा है। ये जो इकोनॉमी क्रिएट की गई है इसका एक तर्क है, और वो तर्क ये है कि जिनके पास पैसा है, सुपर रिच या अपर मिडिल क्लास या इवन मिडिल क्लास, उन्हें लोगों का श्रम औने पौने दामों पर मिल जाए। आपके घर में जो काम करने हेल्प आती है, जो मदद करने आपके घर में महिला आती है, वो 12-15 हज़ार मांगने की हिम्मत ना करे, वो 4,000 रुपये में 3,000 रुपये में आपकी सेवा करने के लिए तैयार। सो दिस इज द काइंड ऑफ इकोनॉमी विच इज बीइंग क्रिएटेड। इसको आप विमर्श का विषय नहीं बना पाए,
और विमर्श का विषय इसलिए नहीं बना पाए कि एक तो मीडिया बुरी तरह कॉम्प्लीसिट है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो बुरी तरह कॉम्प्लीसिट है सारे प्रोसेस में, दूसरे अपोजिशन भी इस सूच को ठीक से फ्रेम नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो स्थितियाँ थी, कोरोना का जैसा मिसमैनेजमेंट था, तमाम तरह के दमन की जो आपने बात की, उसके बावजूद सरकार का अच्छे खासे बहुमत से जीतना, ये विपक्ष के लिए गंभीर चिंतन का विषय होना चाहिए। और इस बात पर ध्यान देने की जरूरत विपक्ष को है, उत्तर प्रदेश के प्रसंग में वो सपा हो चाहे दूसरी कोई पार्टी हो या बाकी देश के प्रसंग में जो भी पार्टियां हैं, कि आप चुनाव के 2 महीने पहले एक्टिव होकर के नहीं जीत सकते। कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन कहां है? जनता के बीच इन समस्याओं को, इन सवालों को लगातार ले जाने का मैकेनिज्म आपके पास, आपके पास कहां ऐसे लोग हैं, कितने लोग हैं जो इन सवालों को सही पर्सपेक्टिव में लोगों के सामने ले जाएं और उनसे पूछें कि भाई करीब 130 करोड़ लोगों में से, खुद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 70 करोड़ या कितने करोड़ लोग अगर लाभार्थी की कोटि में हैं, तो ये तारीफ की बात है या चिंता की?